फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ट्यून। आज हम गणेश चतुर्थी के अवसर पर बना रहे हैं गणेशा की अम्ब्रेला, छत्तर भी जिसे कहते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बैम्बू बास्केट, उसे हम कवर करेंगे टिश्यू पेपर से। टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीस हमें कुछ इस तरह से स्टिक करने हैं। इसके लिए मैंने लिया है फेविकॉल प्लस वाटर का मिक्सचर। इस तरह से पूरी बास्केट को टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीसेस से कवर कर ली। पूरी बास्केट अच्छी तरह से कवर हो चुकी है। अब इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद अब इस पे हम स्टिक कर रहे हैं न्यूज़पेपर के पीसेस। न्यूज़पेपर थोड़ा थिक होता है और अच्छी मजबूती देगा। सेम वे से आप न्यूज़पेपर से भी पूरा कवर कर लें। ये स्टिक हो गए हैं, अब ये ड्राई हो गए हैं। अब इस पे अप्लाई करेंगे हम वॉल पुट्टी और पानी का मिक्सचर। कुछ ऐसी थिकनेस आपको रखनी है और बास्केट को पूरा कवर कर लेना है। हमने जो टिश्यू पेपर का कोट दिया था, न्यूज़पेपर का कोट दिया था, उसका यही रीज़न था कि जब हम वॉल पुट्टी का मिक्सचर अप्लाई करेंगे तो वो होल से बाहर ना निकले। जो बास्केट के छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, उससे ये मिक्सचर बाहर ना निकले। अच्छी तरह से पूरी बास्केट कवर कर लें। आप चाहे तो एक लेयर लगाएं, उसे सूखने दें और दूसरा लेयर लगाएं, या फिर एक ही थिक लेयर लगा दें। ऊपर से नीचे तक चारों साइड अच्छी तरह से आपको बास्केट कोट कर देनी है। कोटिंग करने के बाद सूखने के लिए छोड़ दे। ये सूख गई है, अब इस पे हम डिज़ाइन ड्रेस करेंगे। मैंने की है यहाँ पे पिचवाई पैटर्न। आप कोई भी मनचाही पैटर्न ले सकते हैं। फ्लावर्स के अलावा जो बैकग्राउंड है उस पे मैंने किया है स्काई ब्लू कलर। इवनली जस्ट आपको ये स्पेस स्काई ब्लू कलर से फिल कर देनी है। मैंने यहाँ पे सारे ही एक्रेलिक कलर यूज किए हैं। तरह से सारा कवर कर लें। स्काई ब्लू कलर होने के बाद अब हम कर रहे हैं लोटस स्टेम में कलर। ग्रीन कलर का यूज यहाँ पे किया है। जस्ट जो स्टेम्स है उसे हमें ये कलर फिल कर देना है। जो स्टैम्प्स थी उसकी हम बॉर्डर दे रहे हैं सैप ग्रीन कलर से। जस्ट आपको बॉर्डर कर देनी है। ब्लैक कलर का यूज ना करते हुए हम कर रहे हैं सैप ग्रीन कलर का यूज। कुछ इस तरह से फिल कर लें, बॉर्डर बना लें।
अब करेंगे लोटस में कलर। लोटस में मैंने यूज़ किया है पिंक कलर। आप डायरेक्टली पिंक कलर लें या फिर क्रिम्सन रेड में वाइट कलर मिक्स करके पिंक बना लें। जस्ट इवनली आपको फिल करना है। सेम वे से बाकी के लोटस भी कवर कर लें। लोटस की बॉर्डर कर देंगे डीप ब्रिल पर्पल कलर से, यानी डार्क ब्राउन कलर से। कि ये लोटस भी इसी तरह से कर लें। अब हम लोटस में दे रहे हैं लेमन येलो कलर से शेडिंग। पूरी बास्केट कवर हो चुकी है पिछवाई पेंटिंग से। अब हम बास्केट की एज पे लगा रहे हैं इस तरह की लेस। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे टैंगलर बना रहे हैं, जिसके लिए टिश्यू पेपर पे फ्लावर की पैटर्न बना के कट कर ली है। बुलंद थ्रेड लिया है जिसमें हम ये फ्लावर्स पिरोएंगे। इस तरह से हमें इसे उंगलियों में पानी प्लस फेविकॉल का मिक्सचर लेके ट्विस्ट करना है। देखिए फ्लावर बन गया। ऐसे ही आपको और फ्लावर्स डालते जाना है उंगलियों में फेविकॉल प्लस वाटर का मिक्सचर से ट्विस्ट करना है या आसानी से चिपक जाएंगे। आपको जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप फ्लावर्स ऐड करते जाएं। फोम शीट के लोटस के कुछ इस तरह से कटआउट्स बना लें। अब हमें कुछ इस तरह से इसे एंड पे लगा देना है। ये छोटे छोटे मैंने बनाए हैं क्योंकि हम बास्केट में स्टिक कर रहे हैं। आप एज ए बैकड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम बैम्बू बास्केट की एज पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। बास्केट के सेंटर में छेद कर लें। हम यहाँ पे डोरी डालेंगे और उसमें कुछ बीट्स यूज किए हैं। और एट्रैक्टिव बनाने के लिए मिरर भी यूज कर सकते हैं। हमारी गणेश अम्ब्रेला बनके रेडी हो गई है। 3-in-1 टेक्निक आपने सीखे इस आर्टिकल में। पिछवाई पेंटिंग, वॉल पुट्टी बास्केट एंड टिश्यू पेपर डैंगलर। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।